Assalamualaikum, लाहौरी के सेठ से उमर ताहिर, माई कॉन्टैक्ट नंबर 03219537814। आज मैं आपको DHA भावलपुर के सेक्टर F के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सेक्टर F का 10 मरला और 1 कनाल की इन्फॉर्मेशन हम देंगे। इस टाइम आप अपने स्क्रीन पे जो व्यू देख रहे हैं, ये 10 मरला का पोर्शन है और नंबरिंग में आपको बताना चाहूँगा ये 700, 600 और जो बाउंड्री लाइन के पास जो प्लॉट्स आ रहे हैं ये 800 की नंबरिंग है। इस ब्लॉक में जो है एक मस्जिद दी गई है और छोटे बड़े जो है 5 से 6 पार्क दिए गए हैं और पार्क की जगह भी जो है वो एलोकेट कर दी गई है DHA भावलपुर की तरफ से। सेक्टर एफ में जो है डेवलपमेंट चार्जेस का स्टेटस मैं आपको बताना चाहूँगा। सेक्टर एफ में जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं 5 इंस्टॉलमेंट्स जा चुकी हैं और रिमेनिंग बाकी अभी रहती हैं। टोटल यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट्स थी वो 12 थी और टोटल जो डेवलपमेंट चार्जेस थे वो 13 लाख थे। प्राइस यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम मैं बताना चाहूँगा। मिनिमम प्राइस इस टाइम जो है वो कम से कम कोई 33 से 34 लाख रुपये है और मैक्सिमम यहाँ पर जो प्लॉट्स की प्राइस है वो 38 to 40 या 42 तक भी प्लॉट्स यहाँ पर जो हैं अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है उनकी लोकेशन के ऊपर, उनकी लोकेशन कैसी है। अभी आप अपने स्क्रीन पे जो व्यू देख रहे हैं ये DHA भावलपुर सेक्टर एफ का 1 कनाल का पोर्शन है। ये 255 रोड डिवाइडेड रोड है। एक साइड पे इसके सेक्टर जे आता है और दूसरी साइड पे सेक्टर एफ आता है और इसकी ऑपोजिट साइड पे जो आप सामने लैंड देख रहे हैं यहाँ पे जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये चुलिस्तान यूनिवर्सिटी है। इस टाइम जो नंबरिंग मैं बताना चाहूँगा अगर आपको सेक्टर एफ में 1 कनाल की ये 1200 की नंबरिंग है, 1300 की नंबरिंग है और जो बाउंड्री पे कुछ प्लॉट्स की नंबरिंग जो है जो सेक्टर एफ में आ रही है वो 1300 भी आ रही है, 1400 भी आ रही है, लेकिन इसके अपर पोर्शन वाले जो प्लॉट्स हैं वो उतनी ही अच्छी लोकेशन के हैं जो कि 255 रोड के साथ हैं या पार्क के साथ हैं। यहाँ पर भी जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो टोटल 22 लाख हैं जिसमें से 5 इंस्टॉलमेंट्स जा चुकी हैं और बाकी रिमेनिंग अभी बाकी रहती हैं और 12 किस्तों में अदा करनी है। मिनिमम मैक्सिमम प्राइस आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर मिनिमम जो प्राइस है वो 51 से 52 है और मैक्सिमम यहाँ पर 65 से 66 तक जो है प्लॉट्स अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है उनकी लोकेशन के ऊपर। यहाँ पर भी जो पार्क्स की जो जगह है वो एलोकेट की गई है DHA भावलपुर की तरफ से। शॉपिंग मॉल्स हैं या आप जो गुलाइज में पट्टी देख रहे हैं यहाँ पर आने वाले टाइम पर कमर्शियल या शॉपिंग मॉल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आएंगी और ब्लॉक की लोकेशन अच्छी है। सबसे अहम बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ से एक्सेस जो है DHA भावलपुर के सेक्टर जी में से भी आपको बहुत जल्द जो है यहाँ से रास्ता निकाला जाएगा सेक्टर जी से। इस टाइम जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये तकरीबन 1500 की नंबरिंग है। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा डेवलपमेंट भी करीब हो जाएगी क्योंकि जब तक आपके डेवलपमेंट चार्जेस अदा होने हैं तो इंशाल्लाह पूरे ब्लॉक में जो है डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी होगी और फिर ये DHA भावलपुर पोजेशन की तरफ जाएगा। तो सेक्टर जी में मैं बात कर रहा था, सेक्टर जी में जब सेकेंड गेट बन जाएगा और रास्ते की एक्सेस जब यहाँ से मिल जाएगी, एक्सेस तो अभी भी है लेकिन कंस्ट्रक्शन हो रही है तो जैसे वो कम्प्लीट हो जाएगी तो मतलब इस साइड से सेक्टर एफ जो है उसकी लोकेशन मज़ीद बेहतर होगी। और मतलब एक साइड पे तो एन ब्लॉक है वहाँ पे गेट की एंट्रेंस है और दूसरी साइड से जब सेक्टर जी में से आप एंटर होंगे तो सेक्टर एफ जो है वो आपको करीब मतलब यहाँ से रास्ता उसका करीब तर होगा और इसकी लोकेशन में मज़ीद फ़र्क पड़ेगा। वैसे भी जो डेवलपमेंट चार्जेज हैं अब जो न्यू ब्लॉक्स हैं सेक्टर जी है या बाकी जो आएंगे उनमें वैसे भी ज़्यादा हैं और इसमें डेवलपमेंट चार्जेस कम है। ये भी एक प्लस पॉइंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पर पहले से बाइंग की हुई है और अपने प्लॉट्स को होल्ड किया हुआ है। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी प्लॉट की असेसमेंट के लिए भी आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे असेसमेंट ले सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।